हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स की यूनिट है सेकंड और उसका चैप्टर है थर्ड। लास्ट चैप्टर है, इसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी। नेम है इसका क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर ऑफ थ्री मेजर टाइप्स। इसके थ्री टाइप दिए हुए हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट है आपका यस नो क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर हम क्वेश्चनिंग करें तो आंसर सिर्फ यस नो में आएगा। सेकेंड टाइप है इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मीन्स स्टार्ट होगा डब्ल्यू एच फैमिली से, जैसे वेह डज जानकी लीव। इसमें तो सिर्फ यस नो में आंसर देते, यहाँ पे कुछ आंसर में वर्ड्स आएंगे। थर्ड है आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर आपको जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, मंडे या ट्यूसडे, आज या कल, ऐसे यहाँ पर आपको और दिखाई देगा। ये हो गया आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ये आपको दी हुई ये टेबल देख लेना, अलग अलग बताए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और अदर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अगर आपको डिफरेंस ना पता लगे तो इसके पीछे आता होता है हमेशा ना, जैसे पकाना, बचाना और ये हो गया पचाना, हमेशा इसके पीछे ना ही आता है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट है री राइट दीज सेंटेंसेज एज यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। हमने बनाने फर्स्ट है द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज वेरी ब्रेव। अगर हमने इसको क्वेश्चन में करना है तो वॉज हम यहाँ से रिमूव करके स्टार्टिंग में ले आएंगे और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में डिड होगा स्टार्टिंग में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और फिर हो जाएगा विन। थर्ड में ये इज रिमूव करके स्टार्टिंग में हो जाएगा इज द ब्लू व्हेल। इसके अंदर एस को पहले रिमूव करेंगे और डज हो जाएगा डज राधिका और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। फिर इज को रिमूव करके स्टार्टिंग में लेके आएंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन बिल्डअप करने हैं और ये सोनल लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी इज रिमूव करके हो जाएगा इज मिस्टर वर्मा, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। फिर है डज स्टार्टिंग में आएगा और यहाँ पर आर भी और ये कार्निवर्स मांसाहारी हो जाएगा। फिर है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वाली अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आप व्हाट कहाँ यूज़ करेंगे थिंग्स और आइडिया में, विच कहाँ करेंगे, हु है तो पीपल है तो हु यूज़ करेंगे, टाइम दी है तो वैन, प्लेस है तो वेह। स्टार्ट करते हैं राइट द मिसिंग क्वेश्चन वर्ड्स बाय लुकिंग एट द आंसर। हमने पहले आंसर्स को देखना है। कालीचरण वर्क्स इन द फैक्ट्री, तो कहाँ काम करता है, प्लेस का आ गया, प्लेस के लिए हम लगाएंगे वेहर। वेहर डज कालीचरण वर्क। फिर है आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, फ्रेंड है तो ये है आपका पीपल तो आ जाएगा हूँ। नेक्स्ट है कॉल मी एट 10 PM, अभी टाइम बता रहा है तो हो जाएगा वेन शुड आई कॉल यू। फिर है वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो आ जाएगा वाई। फिर है ए बेबी डियर इज कॉल्ड अ फन, तो हो जाएगा व्हाट। माई रूम इज वन अपोजिट टू द किचन, तो होगा विच रूम इज यूअर्स। फिर है इट वॉज मिस्टर अतुल शाह, तो होगा हुज कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। ये है इट इज अनिल बिल्टन, तो हो जाएगा हु। सी पार्ट है इसका राइट डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट दीज आंसर। अब हमने क्वेश्चन ही बनाने हैं, इनके आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट है द चिल्ड्रन आर सैड एज द स्कूल ट्रिप हैज बीन कैंसल्ड, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई आर द चिल्ड्रन सैड और साथ में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेकेंड का हाउ डिड स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे द पैसेंजर एस्केप्ड, लायन कैसे किया। थर्ड है हु वाज आर्यभट्ट, फोर्थ में है वेहर डज, फिफ्थ है आई वॉन्ट टू टॉक टू द मैनेजर, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, टू होम डू यू वॉन्ट टू टॉक। सिक्स्थ है वैन हो जाएगा स्टार्टिंग में, वैन इज द नेक्स्ट ट्रेन टू कालका। सेवन्थ है माई फेवरेट डिश इज मसाला डोसा, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। एट्थ है इट इज़ कविताज अम्ब्रेला, तो हो जाएगा हुज अम्ब्रेला इज इट।
फिर है आई टिक द फोर्थ ऑप्शन, विच ऑप्शन डिड यू टिक। लास्ट है आई स्लिप इन द स्लिप्ड इन द बाथरूम, तो हो जाएगा वेयर डिड यू स्लिप। यहाँ पे स्पेस नहीं था, इनके यहाँ राइट क्यों है आप देख सकते हो। फिर है अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे। अल्टरनेटिव में आपको बताया था ये और वाला यूज़ होगा, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, गोवा या केरला, मार्च अप्रैल। ये है क्वेश्चन टैग वाले। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किया जाता है, ठीक है। ये है मोनिका इज़ अ नर्स, मोनिका एक नर्स है। इज़ नॉट शी, इसका उल्टा येस हो तो नो, में नो है तो येस में होगा। इज़ लगा के यहाँ पर नोट और मोनिका का बन जाएगा शी, अगर कोई बॉय होता तो बन जाता ही। रिथोटिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं, अलंकृत किए हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं। और डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर, उनका आंसर हम उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे इज़ दिस द वे हाउ यू बिहेव, ये कौन सा तरीका है मतलब बिहेव करने का। दिस इज़ नो वे टू बिहेव, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कोई तरीका ही नहीं है बिहेव करने का, मतलब ये थोड़ा सा एटीट्यूड या स्टेटमेंट में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाती है, एक ही दम बोल के आ जाए। फिर है इको क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, इको क्वेश्चन रिपीट ए पार्ट और द होल ऑफ समथिंग ऑलरेडी सेड। ये आप देख लेना, थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, मतलब कि पूरा बात बता दी। फिर जैसे हम बच्चों को बुलवाते हैं क्लास में, नेवला कहाँ था, थोड़ा सा बोलते हैं लास्ट में, वही वाला है सिस्टम। डी पार्ट है राइट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ द फ्लोविंग इज, हमने सारे के सारे टाइप बताने हैं जो ऊपर ये सारे रीड करें, ये बहुत अच्छे से रीड करने पड़ेंगे। ये देखो स्टार्टिंग में है, जैसे ये कोमा लगा के और थोड़ा सा आंसर ऐड किया है, ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग का। और ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुए तो ये डब्ल्यू एच फैमिली हो जाएगी। और जैसे ये और आ गया तो ये अल्टरनेट हो जाएगा, ये कोमा लगा के। और ये देखो ये सारा यस में था, ये सारा नो में है, तो हो जाएगा टैग क्वेश्चन। ये डब्ल्यू एच फैमिली, यस नो क्वेश्चन। कांट यू जस्ट स्टडी क्विकली क्वाइटली, मीन्स थोड़ा सा ऑर्डर दे दिया या कमांड वगैरह दे दी, तो इसके अंदर ये आ जाएंगे। ये आप सारे देख लेना, फर्स्ट का टैग क्वेश्चन, फिर है इको क्वेश्चन, थर्ड में येस नो क्वेश्चन, फोर्थ में डब्ल्यू एच क्वेश्चन, फिफ्थ में, सेवन्थ में और लास्ट टेंथ में रियोटिकल हो जाएगा, सिक्स्थ में डब्ल्यू एच, एट्थ में टैग, और सिर्फ एक में ही अल्टरनेट आया नाइन्थ में, ठीक है। थैंक यू।